गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गठिया घुटनों का। गठिया घुटनों का आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, खाली इंडिया में नहीं, अमेरिका जैसे देश, यूके जैसे देश, हर जगह घुटने की ये गठिया का काफ़ी ज़्यादा रोग चल रहा है। तो आज मैं डॉक्टर नवल मेहंदीरत्ना, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एट फोर्टिस गुड़गांव, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉब्लम कब कैसे स्टार्ट होती है, क्या लक्षण होते हैं और इसका बचाव करने के क्या कैसे हम कर सकते हैं। तो गठिया बहुत प्रकार के होते हैं, हमने कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, बट वर्ल्ड में सबसे कॉमन जो गठिया है वो ये घिसने वाला गठिया है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली हमारे इफेक्ट करता है घुटनों पर, क्योंकि घुटनों ने सारा बॉडी का वजन लेना होता है और काफ़ी हद तक ये वजन कई बार बॉडी पूरा ठीक से नहीं ले पाती, तो धीरे धीरे ये हमारे जो हम कहते हैं ग्रीस है जॉइंट्स के बीच में, वो स्पेस धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है और हड्डियाँ एक दूसरे से टकराने लग जाती हैं, एंड फाइनली उसका रिप्लेसमेंट ही होता है जो आप सर्जरी को जानते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शल नी रिप्लेसमेंट, वो लास्ट रिजॉर्ट में पेशेंट उस स्टेज पर पहुँच जाता है। बट क्या सबको जरूरत पड़ती है इन सर्जरीज की? सर्जरीज का हमने डेफिनेटली देखा है कि जो चीज़ पहले 65, 70 पे होती थी वही चीज़ आजकल 45, 50 पे हो रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूट होती हैं और कहीं ना कहीं जाके फिर से इम्प्लांट की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, तो कई बार चेंज कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। कुछ गठिया सीधा ऐसे नहीं कि एकदम ही उस स्टेज पर पहुँचेगा जहाँ आपको सर्जरी हो। अर्ली लक्षण इसके आते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, सबसे पहला लक्षण वही होता है, बैठ के नीचे से उठ नहीं पाते, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम फिर भी नहीं रुकते, हम फिर भी जोर डालते जाते हैं। कई लोगों में बहुत ज़्यादा चलने के बाद आधा घंटा 40 मिनट के बाद दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनको रेस्ट करना ही पड़ता है। तो ये बड़े 3-4 टिपिकल सिम्टम्स हैं जो इसकी शुरुआत में अगर हमारे को पकड़ में आ जाए तो वहाँ पर ही हम इस बीमारी का आगे समाधान कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि लक्षण हमारे पास हो गए, ये होता क्यों है? होने का आजकल कारण बहुत कॉमन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीनिंग हम एक्सरसाइज अगर हम अपने रूटीन में नहीं कर रहे तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी बॉडी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे, कुछ 12-12 14 घंटे सबके आजकल वर्किंग आवर्स हैं, कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं। जब आप एक पोस्चर में बैठे हुए हो तो आपकी ये मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स हैं जो घुटने को सपोर्ट करती हैं वो ओवर टाइम वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड इसलिए घुटने का सपोर्ट ख़त्म होता चला जाता है। होम डिलीवरीज की वजह से आजकल बिल्कुल ही हम अपना मूवमेंट्स बाहर जाना, मार्केट जाना इक्वली कम हो जा चुका है। वेट एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसको ओबेसिटी, इंडिया एक बिल्कुल ओबेसिटी की कैपिटल बनती जा रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत हाई है, एंड ओबेसिटी का एक घुटना जो आपका 15 kg वजन ले सकता है आप उस पर 20 kg 25 kg डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जाके बैठेगा ही नीचे जाके। तो ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रीज़न है और एक एज तक आप उसको आराम से कम भी कर सकते हैं जब आप बहुत मोबाइल हैं। एक बार आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया तो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज की डेली रिस्ट्रिक्शन और बढ़ती चली जाती है और उस स्टेज पे आपका वज़न भी कम नहीं हो पाता और बिल्कुल ही वो स्टेज ख़राब हो जाती है जिसमें आप बिल्कुल ही अपनी बाथरूम तक जाने में आपको मुश्किल होनी शुरुआत हो जाती है। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ओबेसिटी का रहता है। डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल भी थोड़ा सा आजकल राइस पे है जिसकी वजह से हमारी मसल्स भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं। कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सारे हम कहते हैं ना उनको चेंज कर सकते हैं, दे आर बेंडेबल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में होता है काफ़ी कुछ करना और वो हम शुरू में ही कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम बहुत सारी इसमें ऑप्शंस सप्लीमेंट्स की आती हैं, कैल्शियम विटामिन डी की आती हैं, बट काफ़ी हद तक हम इसमें एक्सरसाइज और पोस्चर्स पे रिकमेंड करते हैं। फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली गर्ल्स में जो इतना हील्स पहन के घूमते हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी 40-45 तक जाते जाते पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो हील्स का यूज कम से कम करें जितना बिल्कुल एसेंशियल हो, एंड प्रेफरेबली हमेशा कम्फर्टेबल फुटवेयर में याद रहें। एक्सरसाइजेस हम एक बार अलग वीडियो में आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे इसके, बट डेफिनेटली जब भी आपको इस तरह से लक्षण स्टार्ट हों तो अपने नियर बाय रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, जल्दी से जल्दी इसको पकड़ में लाएं, क्योंकि बिफोर जॉइंट्स आपका टेढ़े होते हैं, बेंड होना शुरुआत होते हैं, उससे पहले ज़रूरी होता है कि इसको वहीं पर रोक दें। काफ़ी हमारे पेशेंट्स अभी भी 8-10 साल से आराम से चलते जा रहे हैं, उन्होंने पूरी प्रिकॉशंस एक्सरसाइज अपने प्लेस में रख रहे हैं, अभी तक सर्जरी की उनको नीड नहीं आई है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ मेंडेबल डिजीज़, इट इज़ अ रिकवरेबल डिजीज़, एंड टाइमली इसको रोक दो तो वहाँ पे ये हॉल्ट भी हो जाता है।
थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू जॉइंट प्रॉब्लम्स।